नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रतीक श्रीवास्तव। खबरों की सुपरफास्ट बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे सतना में, जहां पे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने अपने दौरे के दौरान विवादास्पद बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि चित्रकूट उपचुनाव में उन्हें बुलाया ही नहीं गया, वे बिना बुलाए कहीं नहीं जाते। इस बयान के बाद स्थानीय भाजपा नेताओं ने दूरी बना ली, वे पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने तक नहीं पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री गौर ने 2 दिन के प्रवास पर सतना पहुंचे थे, इस दौरान वे चित्रकूट में रहे। उज्जैन में शुक्रवार सुबह बख्शी बाजार क्षेत्र में आग लग गई। हालांकि इस आग से कोई जनहानि नहीं हुई, ताबड़तोड़ फायर राइट फाइटर ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आसपास के लोगों ने भी आग बुझाने का प्रयत्न किया। रतलाम शहर के सबसे व्यस्त क्षेत्र दो बत्ती पर पुलिस थाने के सामने की दुकान पर ही चोरों ने वारदात को अंजाम दे दिया। यहां चोर बीती रात लाखों रुपए के मोबाइल चोरी करके ले गए। चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची व मामले की जांच शुरू कर दी है। शाजापुर में शुक्रवार सुबह सुबह एक ट्रक का चेसिस ग्राम दोबारा रोड स्थित गोल पुलिया के पास बने बंजारा व कालबेलिया समाज के मकानों में जा घुसा। इससे एक बालक को चोट आई जबकि एक अन्य घायल हो गया। बताया जा रहा है कि आयशर कंपनी के नए ट्रक का चेसिस अचानक अनियंत्रित होकर मकान में घुस गया, जिससे एक बालक को गंभीर चोट आई है, वहीं एक अन्य घायल है। विदिशा में शुक्रवार की सुबह ग्राम हिरनई के पास एक जीप पलट गई। जीप में 5 बच्चों सहित 11 सदस्य थे। इन सभी को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, जहां घायल महिला को पलंग नहीं मिला, जिससे बेंच पर ही उसका उपचार कराया गया। रीवा में रक्षा मंत्रालय के ऑडिटर की हत्या का पर्दाफाश न होने से आक्रोशित परिजनों ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया। परिजन हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जबलपुर में केंद्रीय विद्यालय गौर के अचानक बंद होने से अभिभावक नाराज हो गए। नाराज अभिभावक ने समाधि रोड को किया बंद। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। बता दें कि वेतन न मिलने के कारण शिक्षकों ने स्कूल को बंद कर दिया था। स्कूल बंद होने से बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है, जिससे अभिभावक नाराजगी जता रहे हैं। शहडोल के डिंडोरी विक्रमपुर के नजदीक तेल भरा टैंकर पलट गया। किसी के हताहत होने की कोई भी सूचना नहीं है, लेकिन ग्रामीणों ने कैरोसिन लूटने की मची होड़। मौके पर पहुंची पुलिस। सीहोर जिला अस्पताल की अव्यवस्थाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अस्पताल में नित नए कारनामों के चलते ट्रॉमा सेंटर सुर्खियों में रहा है। ऐसे ही एक मामला गुरुवार को आया। किडनी के एक मरीज को रेफर के बाद भी घंटों तक मरीज सीढ़ियों पर बैठकर वाहन का इंतजार करती रही। यह पहला मामला नहीं है जब किसी मरीज को परेशान होना पड़ रहा हो। इससे पहले भी कई मरीजों को समय पर वाहन नहीं मिलने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रायसेन में कृषि उपज मंडी में गुरुवार को धान की बंपर आवक होने से नीलामी स्थल दशहरा मैदान परिसर भरा रहा, तो मंडी मुख्य द्वार तक ट्रैक्टर ट्रॉलियों की दोपहर से लेकर शाम तक लाइन लगी रही। मंडी प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को लगभग 12,000 क्विंटल धान की आवक रही। इस कारण कई ट्रैक्टर ट्रॉलियों के सड़क पर खड़े रहने से भोपाल की तरफ आने जाने वाले वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि यातायात पुलिस अमले के जवान वाहनों की आवाजाही कराते रहे, लेकिन दशहरा मैदान से निरंतर वाहनों की आवक होती रही। सोनसर में क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया है। क्षेत्रीय किसान और कांग्रेसियों ने तहसील कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। इस दौरान छिंदवाड़ा नागपुर हाईवे पर करीब 3.5 घंटे तक जाम रहा। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने आंदोलनकारियों को गिरफ्तार भी कर लिया। इस प्रदर्शन में भारी तादाद में कांग्रेसियों एवं किसान शामिल हुए। छिंदवाड़ा इलेक्ट्रिक रेल जिस करंट के सहारे चलती है, उस करंट के 2 मीटर के दायरे में ही इंसान पहुंच जाए तो उसकी जान जा सकती है, लेकिन रेल इलेक्ट्रिक इंजन की छत पर खड़े दर्जन भर लोग बिजली तार से मात्र 0.5 फीट दूरी पर सही सलामत दिख रहे थे, जिसे देखकर लोग अचरज में थे। गुरुवार को 4 फाटक से लेकर छिंदवाड़ा स्टेशन तक के विद्युतीकरण ट्रैक का परीक्षण किया गया। इस दौरान 0.5 सैकड़ा से अधिक वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इनमें रायपुर, नागपुर एवं मुंबई तक के अधिकारी शामिल थे। छिंदवाड़ा में नगर निगम ने वार्डरवार राजस्व वसूली शिविर लगाए। 7 नवंबर से हर दिन 4-4 वार्डों के लिए शिविर लगाए गए।
8 दिन में 25 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली हो चुकी है। अभी 4 दिन में 13 वार्डों में शिविर आयोजन करने की योजना है। बता दें कि इस वर्ष कुल 25% ही वसूली रुपए हो चुकी है, जबकि 12 करोड़ रुपए से अधिक का टारगेट था। अमरवाड़ा में कांग्रेस के समस्त अनुसांगिक संगठन ब्लॉक कांग्रेस, नगर कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, सेवा दल, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI समेत अन्य अनुसांगिक संगठनों ने बस स्टैंड में भावांतरण योजना में लापरवाही और गड़बड़ी को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि भावांतर योजना किसानों के फायदे के लिए बनाई गई थी, लेकिन इस योजना का फायदा किसानों को ना मिलकर व्यापारियों को इसका लाभ मिल रहा है। योजना की वजह से किसानों फायदे की वजह नुकसान में है। उज्जैन में सफाई की ओर ध्यान नहीं देने से नगर पंचायत में गंदगी और प्रदूषण का अंबार लगा हुआ है। नगर पंचायत की लापरवाही के कारण गोविंदपुरा में चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण फैला हुआ है। रोज शाम के वक्त ऐसा माहौल बन जाता है। रीवा में शुक्रवार को पुलिस महानिरीक्षक अंशुमन यादव ने पुलिस लाइन का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परेड का अवलोकन किया और पुलिस कर्मियों से परेड का अभ्यास भी कराया। IG ने पुलिस कर्मियों को किट का भी निरीक्षण किया, जिनकी पर एडवोकेट खराब भी उनको निंदा की सजा दी। क्या लिखते हो बे? भोपाल में गुरुवार शाम हाट बाजार से मध्य प्रदेश खादी ग्राम उद्योग के मेले के फैशन शो में डिजाइनर रेणु नायक और मोहम्मद शकील के डिजाइन किए हुए ड्रेसेस प्रेजेंट की गई। प्रोग्राम में साधना निखरा व अर्चना गुप्ता ने कोरियोग्राफी की। खादी के ट्रेडिशनल ड्रेसेस बच्चों के साथ यंगस्टर तक की पसंद और ट्रेंड को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी। इन ड्रेसेस के प्रिंट्स के लिए ब्लॉक्स विनोद मारवा ने डिजाइन किए थे। होमगार्ड लाइन उज्जैन और शाजापुर में शुक्रवार को डिविजनल कमांडेंट होमगार्ड बर्मा वार्षिक परेड निरीक्षण के लिए आए। वे परेड निरीक्षण करने के साथ ही होमगार्ड अमले की समस्या व शिकायतों के निवारण के लिए भी दरबार लगाएंगे। निरीक्षण के दौरान सैनिकों की किट का भी निरीक्षण किया। नीमच में पत्रिका द्वारा चल रहे हमदर्द अभियान में लगातार बेहद प्रतिसाद मिल रहा है। शुक्रवार को व्यास शिक्षा समिति द्वारा स्टॉल लगाई गई व गर्म कपड़े एकत्रित करके जरूरतमंदों को इनका वितरण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शिक्षक आदि उपस्थित थे। देवास के मिश्रा नगर स्टेशन में रहने वाले होनहार खिलाड़ी जय मीणा का सॉफ्ट टेनिस की इंटरनेशनल प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है। जय मीणा आज सुबह 10 बजे मिश्रा नगर स्थित अपने निवास से इंडोनेशिया के लिए रवाना हुए। भोपाल के NGT में शाहपुरा झील की जियो मैपिंग से नगर निगम द्वारा कराए गए सीमांकन पर डेवलपर्स ने की आपत्ति। कहा सैटेलाइट की स्थिति हमेशा बदलती रहेगी तो पृथ्वी भी घूम रही है, तो सही स्थिति कैसे आ सकती है। इसके साथ सरकारी एजेंसी की बजाय प्राइवेट एजेंसी से सीमांकन कराने पर भी उठाए सवाल। अगली सुनवाई 23 नवम्बर को होगी। वहीं जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है। विश्वविद्यालय में कर्मचारियों अधिकारियों ने शुक्रवार को पूरी तरह काम बंद कर दिया। आंदोलन कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों ने विश्वविद्यालय में तालाबंदी भी कर दी। जबलपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की मूर्ति बनाने के विरोध में शहर में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। गोडसे की मूर्ति बनाने को उसका महिमा मंडन बताते हुए ये विरोध किया जा रहा है। देशभर में जगह जगह कांग्रेसी इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। शहर के कांग्रेसियों ने भी गोडसे की प्रतिमा बनाने के विरोध में मौन धरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का यह विरोध प्रदर्शन गांधी स्मारक टाउन हॉल में किया जा रहा है। इंदौर बाईपास पर श्री स्वामी नारायण मंदिर का भव्य ढांचा तैयार हो चुका है और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 19 नवंबर से शुरू हो जाएगा, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शुक्रवार को इंदौर रेलवे स्टेशन के दौरे के लिए DRM इंदौर पहुंचे। रेलवे के सारे अधिकारी आज अपने काम का ब्यौरा DRM के सामने प्रस्तुत करते नजर आए। DRM ने रेलवे स्टेशन की सारी व्यवस्थाओं का दौरा किया और रेलवे DRM ने सीनियर DCM और अन्य सीनियर अधिकारियों के साथ मिलकर इंदौर रेलवे स्टेशन की हालत की रिपोर्ट मांगी, जो कि उच्च न्यायालय को सौंपी गई है। इंदौर में शुक्रवार को श्री लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर छत्रीबाग में कल्याण उत्सव मनाया गया। इस उत्सव के चलते आज 11:30 बजे देवस्थान से वैकुंठ यात्रा निकाली गई। वेंकटेश मंदिर में रामानुजीयर स्वामी का प्रस्थान हुआ, जिसे लेकर भक्तगण बेहद उत्साहित हैं। उनके श्रीमुख से प्रवचन सुनने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इसी
तारतम्य में शुक्रवार सुबह वैकुंठ यात्रा निकाली गई, जो देवस्थान से निकलकर पुनः मंदिर पर ही समाप्त हुई। सीहोर में महिला एवं बाल विकास परियोजना इछावर की सुपरवाइजर लक्ष्मी पाठक द्वारा पदीय कर्तव्यों में लगातार की जा रही लापरवाही के कारण जिला कार्यक्रम अधिकारी सीहोर संजय प्रताप सिंह के प्रस्ताव पर कलेक्टर तरुण कुमार पिथोड़े ने 2 वर्ष वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही 11 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायकों को भी सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया है। सीहोर में शहर को स्वच्छ बनाने की दिशा में नगरपालिका और प्रशासन ने नगर को पॉलिथीन और कचरे से मुक्त करने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत SDM राजकुमार खत्री, नगरपालिका CMO सुधीर सिंह, स्वच्छता निरीक्षक अमित यादव, अतिक्रमण दल प्रभारी राजेश दुबे ने अमले के साथ चिंतामणि गणेश मंदिर पर स्वच्छता अभियान करवाया। सभी अधिकारियों ने अमले के साथ कचरा साफ किया। सीहोर शहर सहित आसपास के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मंच देने के लिए गत वर्ष की भांति शहर के BSI क्रिकेट मैदान पर IPL के तर्ज पर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में 18 नवंबर से SPL 2 सीहोर प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। आयोजन की तैयारियों को लेकर जिले भर के खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया है। इसके लिए एक समिति का गठन भी किया गया, जिसके चेयरमैन अमित कटारिया हैं। शाजापुर शहर के दायरा स्थित मां विजासन माता मंदिर पर शुक्रवार से 7 दिवसीय धार्मिक आयोजनों की शुरुआत हुई। इस दौरान मंदिर पर शिखर कलश प्रतिष्ठा एवं सतचंडी महायज्ञ का भी शुभारंभ किया गया। इस आयोजन को लेकर मंदिर समिति सदस्यों एवं भक्तों ने शहर में कलश यात्रा निकाली। इस कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं, युवतियां एवं बालिकाएं अपने सिर पर कलश रखकर चल रही थी। नगर में विभिन्न स्थानों पर कलश यात्रा का स्वागत भी किया गया। बड़वानी में रेत खनन को लेकर सरकार की सारी नीति बेकार नजर आ रही है। अब सरकार ने रेत खनन का काम पंचायतों को सौंप दिया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि बेतहाशा खनन की खुली छूट दी जा रही है। पंचायतों पर अब रेत माफियाओं को कब्जा हो जाएगा। शुक्रवार को नबा द्वारा आयोजित मछुआरा सम्मेलन में आंदोलन की प्रमुख नेत्री मेधा पाटकर ने ये बात कही। सीहोर में कुश्ती संघ ओलंपिक संघ द्वारा गुरुवार को भूतेश्वर मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित करते हुए जिले के ख्याति प्राप्त पहलवानों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिनिधि जसपाल सिंह अरोरा, भाजपा जिला अध्यक्ष सीताराम यादव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। दमोह में PG कॉलेज में पहले कहा सुनी के बाद 30-35 लड़कों के 2 गुटों ने जमकर गैंगवार हुई। इस बीच 100 डायल के सिपाही भी पहुंच गए, लेकिन 2 सिपाही और 3 दर्जन से अधिक छात्र व गुंडे आपस में भिड़े हुए थे। बताया जाता है कि कॉलेज छात्रा के साथ गुंडा तत्व रूपी छात्र, जिन पर सत्ता पक्ष की छत्रछाया बताई जाती है, वह कॉलेज में लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं। कॉलेज में पुलिस द्वारा जनसंवाद नहीं किया गया और ना ही इस कॉलेज में क्या गड़बड़ी चल रही है, इसकी भी जानकारी कॉलेज प्रबंधन ने पुलिस तक पहुंचाई। बड़वानी में शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक विजय खत्री ने गुड टच बैड टच के बारे में बताया और साथ ही कहा कि अगर आपके साथ कोई भी मानसिक व शारीरिक अत्याचार हो रहा है तो हेल्पलाइन पर इसकी सूचना दें, आपको तुरंत पुलिस से मदद मिलेगी। पुलिस से डरे नहीं, वह आपके सहयोग के लिए हमेशा तैयार है। ASP TS बघेल ने चिल्ड्रन हेल्पलाइन 1098 डायल 100 व महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 पर कैसी सूचनाएं दें, इसकी जानकारी भी दी। रतलाम शहर के कोठारीवास क्षेत्र में पुलिस ने महारानी लक्ष्मीबाई उच्च शिक्षा स्कूल में छात्राओं को सुरक्षा करने के उपाय बताए। ये आयोजन सुरक्षित महिला तो सुरक्षित रतलाम योजना अंतर्गत हुआ। आयोजन की शुरुआत सुबह हुई। इस दौरान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने छात्राओं से स्कूल आने जाने में किन रास्ताओं में अधिक परेशानी होती है, इसकी भी जानकारी ली। बालाघाट में जिला टेनिस एसोसिएशन द्वारा स्थानीय वैन गंगा क्लब परिसर टेनिस क्लब कोर्ट में आयोजित तृतीय मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता के 6वें दिन शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल मैच खेला गया। इस दौरान सभी वर्गों के सुबह से शाम तक 13 मैच खेले गए। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पत्रिका TV।